से जब से एयरफोर्स का रिजल्ट आया, मैं जब सबसे पहले आया था उस समय भी मैंने आप लोगों से यही बात बोली थी। रात को एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई बच्चों, और ऐसी चीज जब भी घटती है ये मन को बहुत परेशान करती है। कल हमारा एक ऑनलाइन का स्टूडेंट था, तो उसके फादर का मुझे मैसेज आया कि सर हमारा बच्चा है और उसने सुसाइड कर लिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो बात जो चीज है क्या ये सही है? क्या अगर आपका सिलेक्शन एक एग्जाम में नहीं होता है तो आप ऐसी चीजें करोगे? जैसे रंजन अभी रोने का वो भेज रहा है भाई, अगर आपका कोई एग्जाम नहीं निकलता और एक एग्जाम में आप फेल हो जाते हो तो क्या ऐसी कोई कदम उठाना चाहिए? बताओ, आप लोग बताओ। या सात से आठ लाख बच्चों ने पेपर दिया और उसमें से जो बच्चे फेल हो गए, तो क्या सब लोग ऐसा कर लेंगे तो सही, सब ये सब कुछ चल जाएगा फिर? और आज मैं पर्सनली उसके पेरेंट्स से मिलने जाऊंगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि जीवन में यार अगर तुम लोग इस तरह की हरकत करते हो तो आप फौजी बनने के लायक नहीं हो फिर, ठीक है? 12 तारीख से पहले जिन बच्चों ने यहां पर रजिस्ट्रेशन कर दिया था, जो जीडी लगातार कर रहे थे, ऐसे उनमें से भी कई सारे बच्चे हैं जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, किसी का किसी वजह से हो गया, कोई 0.5 से बाहर हो गया, कोई 2 नंबर से बाहर हो गया, ठीक है? जैसे ये कह रहा है, राहुल भी कह रहा है 1 नंबर से रह गया, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, कोई ना कोई कमी रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लाइफ में जीना छोड़ दोगे या तैयारी नहीं करोगे। एक कह रहा है देखो सर इंग्लिश में 20 में से 20 आए हैं फिर भी मैं बाहर हो गया 1 नंबर से। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं कि आपने मेहनत तो खूब की है, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि भाई इस तरीके की हरकत कभी जीवन में मत करो। 3 से 4 महीने बाद पेपर फिर से आएगा,